साल के आखिरी महीने में 29 दिसंबर को गुरु पुष्य नक्षत्र बनने जा रहा है। हिंदू पंचांग में पुष्य को नक्षत्रों का राजा बताया गया है। इस बार ये नक्षत्र गुरुवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसको गुरु पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में शॉपिंग या खरीदारी का काफी महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति इस योग में शॉपिंग करता है तो इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे कि घर में सुख संपत्ति आती है। तो चलिए जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इस नक्षत्र में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र। गुरु पुष्य नक्षत्र का आखिरी योग इस साल 29 दिसंबर को बनने जा रहा है। 29 दिसंबर को गुरु पुष्य नक्षत्र की शुरुआत सुबह 3:05 से लेकर अगले दिन 30 दिसंबर 3:10 तक रहेगी। इसीलिए शॉपिंग के लिए 29 दिसंबर का पूरा दिन बेहद शुभ रहने वाला है। इस दिन करें इस भगवान का पाठ। अगर आप इस नक्षत्र में किन्हीं कारणों की वजह से खरीदारी नहीं कर पा रही हैं, तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। बिजनेस लाभ के लिए करें ये उपाय। अगर आपका बिजनेस ठप पड़ा है तो इसके लिए आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्ती शंख को अपने व्यवसाय स्थल या फिर अपनी दुकान पर रखें। इससे आपका व्यापार अच्छी गति से चलने लगेगा और आपको धन में वृद्धि होगी।